रिंकू और पिंकू दोनों बचपन से ही दोस्त थे, लेकिन रिंकू एक अच्छे घर से था, वहीं पिंकू गरीब घर से था। पिंकू की माँ बोल नहीं सकती थी, जिसकी वजह से पिंकू हमेशा अपनी माँ की आवाज़ सुनने के लिए तरसता रहता था। वहीं रिंकू की माँ सुमन उसकी सगी नहीं बल्कि सौतेली माँ थी, लेकिन रिंकू को इस बात का उसने कभी भी एहसास नहीं होने दिया। लेकिन रिंकू फिर भी अपनी मम्मी से हमेशा ही नफरत ही किया करता था। ऐसे ही एक दिन रिंकू बिना कुछ खाए पिए पिंकू से मिलने जा रहा था, तभी रिंकू की माँ सुमन उसे टोकते हुए बोलती है, बेटा रिंकू कुछ खा के जाओ, मैंने सैंडविच बनाया है, तुम पिंकू बेटे के लिए भी लेके जाओ। आपको कितनी बार बोला है मैंने, मुझे बाहर जाते वक्त टोका मत करो, लेकिन आप कभी नहीं मानते। बेटा मैं तो तुमसे बस ये कह रही हूँ, कुछ खा के जाओ। मुझे नहीं खाना आपके हाथ का कुछ भी, और हाँ मेरी माँ बनने की ना कोशिश मत किया करो, मेरी माँ मर चुकी है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो ये दिखावा मत किया करो मेरे आगे, समझी आप। रिंकू इतना कहकर घर से जाने लगता है कि तभी वहाँ दरवाजे पर पिंकू आ जाता है, जो रिंकू और सुमन की सारी बातें सुन लेता है, और वो बोलता है, क्या यार रिंकू तू भी ना, तुझे तो पता है मेरी मम्मी बोल नहीं सकती, इसलिए वो मुझसे कभी नहीं कह पाती, ये ले बेटा खाना खा ले, मैं उनकी आवाज़ सुनने को कितना तरस जाता हूँ, और आज तो मैं खाना खा के भी नहीं आया, चलना भाई खाते हैं खाना जो आंटी ने बनाया है। मुझे नहीं खाना है इनके हाथ का खाना। अरे भाई मुझे तो खाना है ना, आंटी आप मुझे खाना खिलाओगे? हाँ बेटा जरूर। पिंकू सुमन के बनाए सैंडविच को बड़े मजे से खाता है, उसे ऐसे खाते हुए देखकर रिंकू का भी मन कर जाता है, और आखिरकार वो भी अपनी सौतेली माँ के बनाए हुए सैंडविच खा लेता है। उसके बाद दोनों दोस्त खेलने चले आते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सुमन चाहे कितना भी अच्छा कर ले पिंकू के लिए, लेकिन वो उन्हें कभी भी पसंद नहीं आती। और दूसरी ओर पिंकू अपनी गुंगी माँ की दिन रात सेवा किया करता था। और एक दिन जब दोनों माँ बेटे खाना खा रहे होते हैं, तभी पिंकू बोलते हैं, माँ तुम्हें पता है मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए एकदम तरस गया हूँ, काश मुझे कोई ऐसा मौका मिले ना कि मैं अपनी आवाज़ के बदले तुम्हें आवाज दे सकूँ, तो मैं जरूर करूँगा। पिंकू की माँ उसकी ऐसी बातें सुनकर उसे अपने गले से लगा लेती है, जिसके बाद दोनों के दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन पिंकू अपनी सौतेली माँ के साथ घर आ रहा होता है। रिंकू का ध्यान सड़क पे नहीं था, तभी अचानक से एक तेज रफ्तार गाड़ी पिंकू की तरफ आ रही होती है। यह देखकर सुमन पिंकू को बचाने के चक्कर में उस गाड़ी के आगे आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने दोनों पैरों से अपाहिज हो जाती है। लेकिन रिंकू इस बात पे भी अपनी मम्मी को नहीं अपनाता, और एक दिन व्हीलचेयर पे बैठी सुमन पिंकू से कहती है, रिंकू बेटा मेरे लिए पानी ला दो, बहुत प्यास लगी है। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, और आप खुद आए थे गाड़ी के नीचे, मैंने आपको धक्का नहीं दिया था, तो आप भुगतो भी खुदी, अपने पैर खोकर खुद अपाहिज हो गई, और अब मैं इनकी सेवा करूं। रिंकू की ऐसी बातें सुनकर सुमन कूट कूट के रोने लगती है, लेकिन वो अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहती। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद दोनों दोस्त पार्क में खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ दोनों खेलने में बेहद ही व्यस्त होते हैं। तभी उनके पास आसमान से एक तोता आकर गिरता है, जो कि घायल होता है। उसे देखकर पिंकू कहता है, रिंकू देखना इस तोते को कितनी ज्यादा चोट लगी है, चल इसको पट्टी कर देते हैं। अबे पागल है क्या, इसके कितना खून निकल रहा है, मैं इसको नहीं छूने वाला। कोई नहीं भाई मैं इसे ठीक करता हूँ। लेकिन तभी अचानक से उस तोते का घाव भर जाता है, उनके सामने आकर बोलता है, तुम्हारे दयालु स्वभाव ने मुझे अपना बना लिया है, इसलिए मैं तुम दोनों को अपने जादुई नगर में लेके जाना चाहता हूँ, क्या तुम दोनों चलोगी मेरे साथ? क्या सच में जादुई नगर है? दोनों की मंजूरी मिलने के बाद वो पार्क अचानक से एक सुंदर सी नगरी में बदल जाता है, जहाँ दो बड़े बड़े सोने और चांदी के कद्दू के घर थे। इसी के साथ वो तोता भी अपना रूप बदलकर जादुई परी में बदल जाता है। दोनों दोस्त ये सब कुछ देखकर बिल्कुल ही हैरान ही थे, तभी उनके सामने बना कद्दू का घर बोलता है, आओ पिंकू मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही खास चीज है, जिसकी तुम्हें हमेशा से जरूरत है। अच्छा जी, तुम्हें कैसे पता मुझे किस चीज की जरूरत है? मैं एक जादुई चांदी का कद्दू हूँ, तुमको देखकर तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया, और मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की आवाज वापस लाने का एक रस दे सकता हूँ, जिसे पीकर तुम्हारी माँ की आवाज वापस आ जाएगी।
क्या सच में ऐसा हो सकता है? मेरी माँ की आवाज वापस आ सकती है? फिर तो मुझे जरूर दे दीजिए। एक मिनट पिंकू, मेरी बात भी सुन लो। मैं सोने का कद्दू हूँ और मैं तुमको बहुत सारी धन दौलत दे सकता हूँ, इसलिए अपनी माँ को छोड़ो और धन ले जाओ। मेरे लिए मेरी माँ की आवाज से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुझे वो रस दे दो चांदी के कद्दू। पिंकू के इतना बोलते ही चांदी के घर के दरवाजे खुल जाते हैं और उसके बाद पिंकू उसके अंदर जाकर वो जादुई रस ले आता है, जिसके बाद सोने का कद्दू रिंकू से बोलता है, रिंकू अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें चांदी के कद्दू से अपनी माँ के पैर मिलेंगे, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी धन दौलत है तो तुम क्या चुनोगे? अरे मैं तो बहुत सारी धन दौलत ही चुनूंगा, मुझे तो हमेशा से अमीर बन के जीना था, मुझे धन दौलत दे दो। तू ये क्या कह रहे रिंकू? तेरी माँ के पैर तुझे बचाते हुए गए, तुमको उनके पैर लौटाने का मौका मिला है, तू क्यों पीछे हट रहा है? तू पागल है पिंकू, वो मेरी सौतेली माँ है और सौतेली माँ सौतेली होती है, वो बस सबके सामने अच्छे होने का दिखावा करती है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए, ना कि ऐसी माँ के पैर। इतना बोलकर रिंकू सोने के कद्दू के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर उसको बहुत मार पड़ती है, और ये सब हो जाने के बाद रिंकू रोता हुआ उसमें से बाहर निकलता है और वो डरते हुए बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? सोने के कद्दू में मुझे धन दौलत नहीं मिली बल्कि मुझे मार पड़ी है, ये क्यों हुआ? ये सब तो तुम्हारी नियत पहचानने के लिए था, और पता चल गया तुम बहुत ही लालची हो, और अब तुम भी अपाहिज होकर अपनी माँ का दर्द समझना। सोने का कद्दू इतना बोलकर रिंकू के दोनों पैर काट देता है और उसको व्हील चेयर पर बैठा कर पिंकू को उसको पैर देकर बोलता है, ये पैर तुम रिंकू की माँ के लगा देना। ठीक है सोने के कद्दू। इसके बाद पिंकू सबसे पहले अपने घर आता है और अपनी मम्मी को वो रस पिला देता है, जिसके बाद उसकी माँ की आवाज वापस आ जाती है। फिर उसके बाद वो रिंकू के घर जाता है, जहाँ पे वो सुमन को सारी बात बता देने के बाद उसके पैर लगाने ही वाला होता है कि तभी सुमन बोलती है, नहीं पिंकू, ये पैर तुम रिंकू के ही लगा दो, मैं उसको ऐसे अपाहिज नहीं देख सकती, मैं अपने खुद को सही करके उसको दुख दे दूं? नहीं नहीं। देखा रिंकू, जिस माँ के बारे में तूने एक भी बार नहीं सोचा, वो तुम्हारे बारे में सोचकर खुद को ठीक करने का मौका गवा रही है। माँ मुझे माफ कर दो, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो आपकी ममता को नहीं देख पाया, हमेशा आपके अंदर बस एक सौतेली माँ ही देखा, मुझे माफ कर दो माँ, और ये पैर आप ही लगा लो। नहीं मेरे बेटे, तुम ही लगाओ। रिंकू ये पैर तुम्हारे हैं तो ये तुम्हें ही लगेंगे, और आंटी जी आपके लिए मेरे पास एक रस है। पिंकू वो पैर रिंकू को लगाने के बाद रिंकू की मम्मी को वो रस पिला देते हैं, जिससे उनके पैर ठीक हो जाते हैं। जादुई घरों ने ये तुम्हें दूसरा मौका दिया था और तुमने ये मौका गवाया नहीं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है।